हैप्पी टी है सेकेंड पेपर डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो फर्स्ट पेपर डे से सेकेंड डे पेपर डे की जो आपका जनरी है आप उसको कैसे वेलेट करते हैं? ये जो क्या पेपर सेकेंड डे इज़ एक सक्सेसफुल इवेंट में काउंट किया जाएगा? यस, सेकेंड जो पेपर डे सेलिब्रेशन हुआ है वो फर्स्ट पेपर डे से ज़्यादा आगे हम लोग बढ़े हैं, और हम आने वाले कल में FPTA इसको और आगे ले जाएगा, क्योंकि पेपर की अवेयरनेस बढ़ाना देश में बहुत ज़रूरी है। उसी को ये जो मिसकॉन्सेप्ट, ये जो रॉन्ग प्रोपोगंडा चल रहा है उसको हम लोग हटाना चाह रहे हैं। इसके लिए आज इंडस्ट्री के सारी जितनी 5 संस्थाएँ थी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन की, वो सारी हमारे संघ थी और हमने सबने मिल के इस काम को आगे बढ़ाया है, जो आपने यहाँ पर आज देखा। अब इससे आप अंदाज लगा सकते हैं, और लास्ट ईयर का पेपर डे देखा, इससे आप खुद समझ सकते हैं कि हम एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। अभी इस आज के पेपर डे के बाद आपने क्या ऑब्जेक्टिव सेट करे हैं फॉर थर्ड पेपर डे? अब थर्ड पेपर डे का ऑब्जेक्टिव तो यही है कि अब उसको तो अभी आगे देखेंगे, क्योंकि हमारा जो नए प्रधान आएंगे वो जो आगे का प्लानिंग करेंगे, उसके बाद ही ये प्लान होगा कि नेक्स्ट थर्ड पेपर डे का होगा। हमने एक प्लानिंग और की है जो मैं बता दूँ इसके बीच में, कि हमने अभी ये सोचा है FPTA लेवल पर कि अब हम अलग अलग स्टेट में पेपर डे बनाएंगे। जैसे इस बार हमने दिल्ली में बनाया है, तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर हम लोग हैदराबाद बनाएँ या चेन्नई बनाएँ या बॉम्बे बनाएँ, कहीं भी बनाएँ, वो अब फेडरेशन डिसाइड करेगी। अभी रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 10% इम्पोर्ट ड्यूटी को इंट्रोड्यूस कराया है ऑन पेपर विच इज़ यूज इन प्रिंटिंग एप्लीकेशन, बट इट इज़ नॉट वेल एप्लीकेबल फॉर द पेपर फ्रॉम एशियन कंट्रीज। तो IPMA ने एक रिकमेंड किया है कि आप पेपर को भी निगेटिव लिस्ट में डालिए, सो दैट कि इसको भी हम इम्पोर्ट ड्यूटी में ले सकें। तो FPTA का इस पर क्या स्टैंड है? नहीं, FPTA का स्टैंड जो न्यूज़ प्रिंट पर 10% ड्यूटी लगाई है वो तो अच्छा उन्होंने किया है, क्योंकि यहाँ की न्यूज़ प्रिंट इंडस्ट्री का हालत बहुत ख़राब है। आज हिंदुस्तान न्यूज़ प्रिंट प्राय 8 महीने से बंद है। क्यों बंद है? इसी के लिए बंद है। तो आज जो अभी चल रहा है इस पर तो इन्होंने अच्छा किया है, और पेपर इंडस्ट्री का जो इंपोर्ट माल आ रहा है उस पर उतने सस्ते में आ रहा है कि यहाँ की इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं कर सकती है। उसको रखने के लिए अभी पेपर इंडस्ट्री चाहती है कि इम्पोर्ट पर ड्यूटी लगे, जो आज के दिन में 0 ड्यूटी है एंशिएंट कंट्री में। ओके, क्या आपको लगता है ये ड्यूटी सफिशिएंट है जो न्यूज़ प्रिंट इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए, और क्या आपके लगता है कि इस ड्यूटी बढ़ने के अलगने से क्या प्राइस बढ़ सकते हैं न्यूज़ प्रिंट के? न्यूज़ प्रिंट के आज ड्यूटी बढ़ने 10% ड्यूटी बढ़ने का मतलब हो गया 3-3.5 रुपया किलो का दाम का फर्क आ गया, रेट बढ़ गए हैं। रेट बढ़ने चाहिए, लेकिन आज के दिन जो मार्केट है, आज इतने कम में उन्होंने माल बेच रहे हैं, $450 में माल बेच रहे हैं, तो आज इंडिया $450 का मतलब हो गया 30 रुपया किलो में माल बिकना। तो 30 रुपया किलो में जब माल बिकेगा तो कहाँ से मिल सर्वाइव करेंगे? तो उनको थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, और क्या है, आज की लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट मिलेगा, यही है। क्या ये ड्यूटी और बढ़ सकती है? ये अभी बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी तो ये बढ़ी है, अभी मैं कैसे बोलूँ कि और भी बढ़ सकती है, तो डिपेंड करता है कि फ्यूचर में कैसा क्या रहता है। ओके, अभी लास्ट 6 मंथ में एक ट्रेंड देखने को मिला है कि जो चाइना इंडिया से पेपर इंपोर्ट करता था, अभी वो इंडिया को ना यूज़ करके पेपर वो यूरोपियन कंट्रीज से ही इंपोर्ट कर रहा है। तो ऐसा क्या रीज़न आप देखते हैं कि चाइना ने इंडिया को नेगलेक्ट किया और यूरोपियन कंट्रीज से उसने पेपर लेना स्टार्ट किया, और इसका आप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? जो चाइना ने इम्पोर्ट किया और जो चाइना से अभी इंडिया से नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जो पिछले साल जो मार्केट इतना अप था उसमें इंडिया वालों ने जो माल भेजना शुरू किया उसमें जो क्वालिटी इश्यूज़ थे उसकी वजह से, मेरे विचार से उसकी वजह से चाइना ने माल लेना बंद कर दिया। क्वालिटी इशू बताएंगे क्या क्या इशू? क्या बहुत से क्वालिटी इशू है छोटी मिलों के, जिनके क्राफ्ट जो बना बना के भेज रहे थे, तो वो इशू की वजह से उन्होंने लेना बंद किया होगा। और आज के दिन प्राइस इंटरनेशनली डाउन हो गए सब जगह, तो जब प्राइस डाउन हो गए तो उनको बेटर माल अगर सस्ते में मिल रहा है तो उन्होंने यूरोप से लेना शुरू कर दिया। उसका तो रीज़न था ना, लास्ट ईयर जो डिमांड थी उसकी वजह से हुआ, डिमांड सप्लाई का गैप की वजह से हुआ। ओके, तो अभी क्या आप मानते हैं कि ये जो सिचुएशन बन रही है इंडियन पेपर मिल के लिए रिसेशन की स्थिति? हाँ, आज के दिन रिसेशन की स्थिति तो है इंडियन पेपर मिल के लिए। कब तक ये आपको लगता है कि इम्प्रूव? ये अभी
अभी तो आज के दिन भारतवर्ष में सभी इंडस्ट्री रिसेशन में है, क्योंकि जो फैक्टर जो आपने बताए हैं वो क्वालिटी पैरामीटर्स है, क्वालिटी इंप्रूव करते हैं तो रिसेशन से ओवर नहीं, क्वालिटी खाली रिसेशन नहीं है, आप इस चीज़ को दूसरे रूप में ले रहे हैं। उस समय बाजार अच्छा था जो जा रहा था, ठीक है, आज रिसेशन है, उस सस्ता में माल यूरोप से मिल रहा है तो वो बेटर है ना। जो इंडियन क्वालिटी है, फाइन क्वालिटी का क्राफ्ट पेपर क्या वैसे मिल रहा है या उनको नहीं, उसको मिल रहा है, उसको वो तो जा ही रहा है, ऐसा तो नहीं है कि जीरो हो गया, जीरो तो नहीं हुआ है, लेकिन वो रेशियो में नहीं जा रहा जिस रेशियो में 2018 में गया था। कि चाइना 2020 तक कम्प्लीटली वेस्ट पेपर को इम्पोर्ट को बैन कर देगा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। हाँ, तो आप इस बैन का इंडियन मार्केट पर क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं, इस बैन का में और मैन्युफैक्चरिंग में क्या आपको नया कुछ नए ट्रेंड नजर आएंगे? नहीं, इस मार्केट में तो वेस्ट पेपर जो इम्पोर्ट चाइना बंद करेगा वो सरप्लस हो जाएगा फॉरन में। अब वो सरप्लस होके वो इंडिया में डंप कितना होगा, तो इंडिया में कम रेट पे तो आएगा, सब कम रेट पर आएगा, और इंडिया में उसमें से कैसा माल आएगा वो सॉर्टिंग करेंगे कि नहीं, कि वो कचरा भेजेंगे, ये तो डिपेंड करेगा उनके ऊपर। क्या कोई आप पॉलिसी की रिकमेंडेशन देते हैं गवर्नमेंट को, क्योंकि जिससे अगर ये कैसी ऐसी कंडीशन आती है तो इंडिया में इम्पोर्ट बढ़ेगा? नहीं, हम लोग तो आगे हम भी तो गवर्नमेंट से यही करेंगे अनुरोध कि वो भी अपने देश में रद्दी कागज को वैसा ही मंगाए जो जितनी की उसकी ज़रूरत हो, उसमें कचरा नहीं मंगाए, यही हम बोल सकते हैं। क्या एफपीटी कोई स्टैंड लिया अभी इसके लिए? नहीं, इसके लिए एफपीटी ने कोई स्टैंड अभी नहीं लिया, तो इसके तरह स्टैंड की अभी कोई प्लानिंग नहीं है, क्योंकि जब 2020 में होगा तब सोचेंगे, अभी तो 2019 में चल रहा है, अभी 20 तक बैंड हो जाए पहले, क्योंकि बातचीत तो चल रही है 3 साल से। चाइना की आज है वो सिचुएशन, इंडिया की ना बन जाए, उसके लिए स्टेप तो अभी से लेने पड़ेंगे। नहीं, इंडिया की स्टेप देखिए, इंडिया में और चाइना में फ़र्क है, ऐसा तो जरूरी नहीं है कि चाइना करेगा वही इंडिया करेगा, ऐसा तो जरूरी नहीं है, तो डिपेंड करता ना आगे में क्या हो। यहाँ पर सोर्सेज कहाँ है आपके पास, फॉरेस्ट्री का कहाँ सोर्सेज है जो कि हम उसको बैंड कर देंगे? आज जो पेपर मिले, जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, 75% माल तो करीब करीब वेस्ट पेपर और बगासी बन रहा है, ये तो मैंने अपने स्पीच में भी आपको कहा है। बेस्ट सेलिंग पेपर कौन सा आपको दिख रहा है इस आज के इस टाइम में? नहीं, बेस्ट सेलिंग तो देखिए, कंजम्पशन तो है ही, रिक्वायरमेंट तो है ही, बोर्ड भी बिक रहा है, बोर्ड में भी ग्रोथ है, टिश्यू में ग्रोथ है, राइटिंग प्रिंटिंग में भी ग्रोथ है, तो माल तो सभी की डिमांड है बाजार में। अब जैसे पेपर की कंजेशन के लिए बढ़ाने के लिए एक अवेयरनेस की जा रही है, तो क्या एफपीटी ने कोई ऐसी सर्वे की है जिसमें नई डिमांड को जनरेट किया जा सकता है, कई ऐसी एप्लीकेशंस को उन्होंने फाइंड आउट किया जहां पे पेपर इन्फ्लेशन हो सकता है, जैसे कि आज लिक्विड पैकेजिंग है, आज ये पैकेजिंग आज जो हमने किया है, स्ट्रॉ किया है, पेंसिल का है, वाटर बॉटल है, वाटर बॉटल काम हो रहा है, आपने हमारा वॉइस ऑफ पेपर में देखिए जाके। तीसरा, हम पेपर की अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं हमारे वाइज ऑफ पेपर के थ्रू। दूसरा, हम ये देख रहे हैं कि इन फ्यूचर में जो आपकी रिक्वायरमेंट, क्या बोलते हैं कि ये अवेयरनेस के बारे में जो आपने कहा कि पेपर में अभी जो आ रहा है न्यूज़ प्रिंट में, जो अपने लोग को बाज़ार में बिक रहे थे अखबार के कागज़ पर, अभी ठुंगा बनाना और उसको यूज करने के लिए गवर्नमेंट ने मना कर रहे हैं। अगर वो डिमांड हटती है तो हमारा फ्रेश पेपर बिकेगा, जो पैकेजिंग में, कैरी बैग में, ठुंगा बनाने में, तो उसमें हमारी डिमांड बढ़ेगी। हमने जो नया किया, आपको स्ट्रॉ बताया, आपको मैंने उसके लिए बताया कि पेंसिल है, पानी बॉटल है, और पैकेजिंग में बहुत डेवलपमेंट डे बाई डे हो रहा है, तो उसके लिए सारी इंडस्ट्री भी अपनी चेष्टा कर रही है और ट्रेडर भी अपनी तरफ से चेष्टा कर रहे हैं कि उसको हम आगे बढ़ाएं। ओके, अभी जो इंडियन पेपर ट्रेडिंग्स है, आप उसको जो फॉरेन की पेपर ट्रेडिंग के मुकाबले कैसे देखते हैं, और 10 साल बाद उस ट्रेडिंग का सीनेरियो कैसे रहेगा इंडियन पेपर ट्रेडिंग का? हम जहाँ के यहाँ मोस्टली जो ट्रेडर्स हैं वो इलिटरेट हैं, अशिक्षित हैं, ठीक है, थर्ड टैक्स समझ कम है, इनके बहुत ही ओल्ड वे में काम करने वाले लोग होते हैं। नहीं, आपके फॉरेन ट्रेडिंग कंपनियों में और यहाँ की ट्रेडिंग कंपनियों में बहुत अंतर है। वहाँ की कंपनियाँ एक एक जॉइंट है जो 4 मिल का टन्स ऑफ टन्स पेपर लेके ऑल ओवर वर्ल्ड भेजती है। इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में सब जो भी डिस्ट्रीब्यूटर डीलर है वो अपनी अपनी एरिया में है, तो वो अपनी अपनी एरिया में ही माल बेचते हैं। इसी में यहाँ पर ट्रेडर लोग उसी तरह कर रहे हैं, उस तरह का यहाँ जॉइंट बिजनेस करने की इंडिया में नहीं है, और इंडिया में वो ट्रेंड भी वैसा नहीं है। और आने वाले कल में आने वाली जनरेशन अभी पेपर में आना नहीं चाहती है,
क्योंकि वो नहीं चाहती है कि पेपर में कोई बहुत मार्जिन है, इसलिए वो आना नहीं चाहती है। बट पेपर ट्रेडिंग में तो बहुत अच्छा लंबे लॉन्ग टर्म करियर भी है, लेकिन करियर होने से क्या होगा? आज के दिन जो नई जनरेशन को चाहिए कि फास्ट रनिंग हो, यहाँ पर तो रुपया लगाओ, पैसा 90 दिन उधार बाकी करो, तो कहाँ से होगा? सर वन लास्ट क्वेश्चन, सर लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने अनकोटेड पेपर पे ड्यूटी लगाई थी $855 की बेंचमार्क प्राइस, तो अभी पोस्ट सिनेरियो क्या चल रहा है? मतलब उस ड्यूटी लगाने से कुछ ट्रेडर्स को फायदा हुआ है, मार्केट का कुछ सिनेरियो चेंज? ट्रेडर को कोई फायदा नहीं हुआ, इंडस्ट्री को उसको फायदा है कि वो कॉपियर पेपर के दाम उतने घटे नहीं है जितने ये अभी आज जो बाजार का सिनेरियो है, तो एक बाइंडिंग में है वो लोग $855 की। तो अभी जो बाजार में जो प्राइस चल रहे हैं वो कितने चल रहे हैं? अभी कम चल रहे हैं उससे, तो उसको जो लगाने से कुछ प्राइस में वो हुआ है, इन्फ्लक्चुएशन हुआ है सर प्राइस? नहीं, प्राइस तो घटे हैं, इंडियन पेपर मिल के भी प्राइस घटे ही हैं, अभी तो कॉपियर के भी प्राइस घटे हैं। सर कुछ पेपर मिल्स जो हैं उतने ही प्राइस में बेच रही हैं, मतलब जैसे $855 का लगाया था गवर्नमेंट ने, तो पेपर मिल्स उसका कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट लेके उसको कुछ अपने प्राइस को उन्होंने इंक्रीज कर दिया है कॉपी पेपर के? नहीं नहीं, अभी तो कोई कॉपी पेपर का प्राइस इंक्रीज हुआ नहीं है, प्राइस तो डिक्रीज ही हुआ है, डिमांड ही कम है। डिमांड गिर गई, डिमांड गिर गई है ना, ऑफ सीजन भी थी और डिमांड भी गिरी हुई है। जैसे जून जुलाई में सारे कोर्ट स्कूल कॉलेज सब बंद रहते हैं, अब जब कोर्ट में नहीं है तो जीरोक्स कहाँ से करोगे, क्या चीज का काम कर जीरोक्स करोगे? डिमांड नहीं है तो डिमांड कम है, और ये भी है तो प्राइस भी कम है कि नहीं?